हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाराणसी अहमदाबाद वीकली एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। इस ट्रेन का नंबर है 19408। यह ट्रेन हफ्ते में एक दिन चलती है। यह ट्रेन सैटरडे को वाराणसी जंक्शन से चलती है और संडे को अहमदाबाद जंक्शन पहुंचती है। यह ट्रेन 1703 किलोमीटर का डिस्टेंस 30 घंटे 25 मिनट में पूरा करती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है। इस ट्रेन के लगभग 20 स्टॉप हैं। अब बात करेंगे इस ट्रेन के कोच के बारे में। इस ट्रेन में आपको LHB श्रेणी के कोच मिल जाते हैं। इस ट्रेन में आपको सेकेंड AC, थर्ड AC स्लीपर और जनरल के कोच मिल जाते हैं। इस ट्रेन में आपको ऑनबोर्ड और ई केटरिंग की सुविधा मिल जाती है। यह ट्रेन Web 7 लोकोमोटिव से चलती है। अब बात करेंगे इस ट्रेन की टाइमिंग के बारे में। यह ट्रेन वाराणसी जंक्शन से चलती है दोपहर को 3:35 पर अहमदाबाद जंक्शन के लिए। उसके बाद यह ट्रेन जौनपुर सिटी पहुंचती है शाम को 4:38 पर और 4:40 पर वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर यह ट्रेन 2 मिनट रुकती है। उसके बाद यह ट्रेन सुल्तानपुर जंक्शन पहुंचती है शाम को 6:00 और 6:05 पर वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर यह ट्रेन 5 मिनट रुकती है। उसके बाद यह ट्रेन निहालगढ़ पहुंचती है शाम को 6:48 पर और 6:50 पर वहां से रवाना हो जाते हैं। यहां पर यह ट्रेन 2 मिनट रुकती है। उसके बाद यह ट्रेन लखनऊ चारबाग पहुंचती है रात को 9:25 पर और 9:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर यह ट्रेन 10 मिनट रुकती है। उसके बाद यह ट्रेन बरेली जंक्शन पहुंचती है रात को 1:10 पर और 1:12 पर वहां से रवाना हो जाते हैं। यहां पर यह ट्रेन 2 मिनट रुकती है। उसके बाद यह ट्रेन मुरादाबाद जंक्शन पहुंचती है रात को 2:55 पर और 3:03 पर वहां से रवाना हो जाते हैं। यहां पर यह ट्रेन 8 मिनट रुकती है। उसके बाद यह ट्रेन पुरानी दिल्ली पहुंचती है सुबह 6:05 पर और 6:30 पर वहां से रवाना हो जाते हैं। यहाँ ये ट्रेन 25 मिनट रुकती है। उसके बाद यह ट्रेन दिल्ली कैंट पहुंचती है सुबह 6:58 पर और 7:00 वहां से रवाना हो जाती है। यहाँ पर यह ट्रेन 2 मिनट रुकती है। उसके बाद यह ट्रेन गुड़गांवा पहुंचती है सुबह 7:16 पर और 7:18 पर वहां से रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर यह ट्रेन 2 मिनट रुकती है। उसके बाद यह ट्रेन रेवाड़ी जंक्शन पहुंचती है सुबह 8:03 पर और 8:05 पर वहां से रवाना हो जाते हैं। यहां पर यह ट्रेन 2 मिनट रुकती है। उसके बाद यह ट्रेन अलवर जंक्शन पहुंचती है सुबह 9:03 पर और 9:06 पर वहां से रवाना हो जाते हैं। यहां पर यह ट्रेन 3 मिनट रुकती है। उसके बाद यह ट्रेन जयपुर जंक्शन पहुंचती है सुबह 11:10 पर और 11:20 पर वहां से रवाना हो जाते हैं। यहां पर यह ट्रेन 10 मिनट रुकती है। उसके बाद यह ट्रेन अजमेर जंक्शन पहुंचती है दोपहर को 1:25 पर और 1:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर यह ट्रेन 10 मिनट रुकती है। उसके बाद यह ट्रेन ब्यावर पहुंचती है दोपहर को 2:17 पर और 2:19 पर वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर यह ट्रेन 2 मिनट रुकती है। उसके बाद यह ट्रेन मारवाड़ जंक्शन पहुंचती है दोपहर को 3:23 पर और 3:25 पर वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर यह ट्रेन 2 मिनट रुकती है। उसके बाद यह ट्रेन फालना पहुंचती है शाम को 4:18 पर और 4:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर यह ट्रेन 2 मिनट रुकती है। उसके बाद यह ट्रेन आबू रोड पहुंचती है शाम को 5:50 पर और 6:00 वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर यह ट्रेन 10 मिनट रुकती है। उसके बाद यह ट्रेन पालनपुर जंक्शन पहुंचती है शाम को 6:53 पर और 6:55 पर वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर यह ट्रेन 2 मिनट रुकती है। उसके बाद यह ट्रेन मेहसाना जंक्शन पहुंचती है रात को 8:06 पर और 8:08 पर वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर यह ट्रेन 2 मिनट रुकती है। उसके बाद यह ट्रेन साबरमती BG पहुंचती है रात को 9:10 पर और 9:12 पर वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर यह ट्रेन 2 मिनट रुकती है। उसके बाद यह ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन अहमदाबाद जंक्शन पहुंचती है रात को 10:00 और इस तरह यह ट्रेन अपना 1703 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा कर लेती है।